नाम डॉक्टर श्वेता और आज हम सेमीकंडक्टर एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज स्टार्ट करेंगे और इसके आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो जो आज हम कंटेंट पढ़ रहे हैं सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन या सॉलिड को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है, तो आज हम वो करेंगे। में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर, फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स इन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेस ऑफ सिज ऑफ बैंड थ्योरी, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, फर्मी एनर्जी, पोजिशन ऑफ फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, वेरिएशन ऑफ फर्मी लेवल इन टेम्परेचर, फोटोवोल्टिक इफेक्ट, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सोलर सेल और मैग्नेटिक और सेमी ठीक कंडक्टर, इतना हमें पढ़ना है। तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन, साथ साथ लिखिएगा, है ना, तो फिर स्लाइड में साथ साथ चेंज करती रहूंगी। एक्सप्लेन द क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स, गिव इट्स ड्रॉबैक्स और एक्सप्लेन ड्यूड लॉरेंज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थ्योरी। तो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स पढ़ते हैं और कंडक्टर्स की जब बात कर रहे हैं, या उसको हम ड्यूड लॉरेंज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी बोलते हैं। तो लॉरेंज और ड्यूड ने क्या प्रपोज किया था कि कंडक्टिविटी कैसे होती है। उन्होंने कहा कि जो मेटल्स हैं वो फिक्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ठीक है, और वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन गैस फॉर्म करते हैं मेटल के अंदर, जिस तरीके से आइडियल गैस होती है कंटेनर के अंदर, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो गैस फॉर्म करते हैं मेटल्स के अंदर और मूव करते हैं रैंडम डायरेक्शन में। अब क्योंकि वो मूव कर रहे हैं मेटल के अंदर रैंडम डायरेक्शन में, जिस तरीके से गैस मूव कर रही है कंटेनर में, तो क्या होगा कि जब वो हर डायरेक्शन में मूव करेंगे डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, तो आपस में भी कुलिजन करेंगे और कुलिजन करने के साथ साथ जो पॉजिटिव आयन कोर्स हैं उनके साथ भी वो कुलिजन करेंगे। और जो ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को फॉलो करेगा। और जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे मेटल पे, तो क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ या पॉजिटिव सप्लाई की तरफ मूव करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो तरीके के मोशन हो जाएंगे, एक तो जो रैंडम मोशन वो मूव कर रहा था, दूसरा हमने जब अप्लाई वोल्टेज अप्लाई किया तो उसकी वजह से ड्रिफ्ट मूव करने लगेगा, ड्रिफ्ट मोशन करने लगेगा ड्यू टू अप्लाई वोल्टेज, जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जिसकी वजह से करंट फॉर्म होता है। लेकिन जब वो मूव कर रहा है तो रास्ते में पॉजिटिव आयन कोर्स भी मिलेंगे, तो उनके साथ वो कोलाइड करेगा, तो कोलाइड करने की वजह से फिर उस रुक जाएगा, फिर अप्लाई वोल्टेज हमने अप्लाई कर रखी है, फिर वो मूव करेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंच रहा है इलेक्ट्रॉन, कंटिन्यूअसली नहीं मूव कर रहा है, बीच बीच में क्या हो रहा है, कुलिजन हो रहा है, तो जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है दो कुलिजन के बीच में उसको हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं। और जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है जितने टाइम में उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आयन कोर्स जो है वाइब्रेशंस आयन कोर्स का इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन और कोर का कोलिजन है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए कंडक्टर्स में हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने में। अब जो ये लॉरेंज और ड्यूड ने क्लासिकल थ्योरी दी थी तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, एक तो क्लासिकल थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर, क्लासिकल थ्योरी पैरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ये बोल रही थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आया पैरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, है ना। फिर क्लासिकल थ्योरी ने फेल हो गई एक्सप्लेन करने में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट,
हमने देखा भी है कि ये थ्योरी जो है किससे एक्सप्लेन होती हैं, क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन होती हैं। तो मतलब यहाँ पे जो हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, पहले क्लासिकल थ्योरी लेके चल रहे हैं, बाद में हम फिर क्वांटम थ्योरी लगा के बैंड थ्योरी को समझाएंगे, है ना। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड जो है बैंड्स जो फॉर्म होते हैं वो क्लासिकल थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई, वो जो है क्वांटम मैकेनिक्स से ही एक्सप्लेन हुआ बैंड थ्योरी के बारे में। जो हम बैंड्स की बात करते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, उनके बीच का एनर्जी बैंड गैप, और हॉल इफेक्ट है, हॉल इफेक्ट की पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो वो क्लासिकल मेटल्स में वो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे इसका ड्यूड एंड लॉरेंज प्रपोज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल द बेसिक अजप्शंस ऑफ थ्योरी आर। तो जो जो मैंने बताया बस सारी चीजें वो लिख रहे हैं हम, है ना। ऑल मेटल्स कंटेन्स अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रॉन गैस विच आर फ्री टू मूव थ्रू द वॉल्यूम ऑफ द मेटल्स लाइक मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन कंटेनर। तो मैं खाली यहाँ तक ही लिखूंगी मॉलिक्यूल ऑफ गैस, आइडियल गैस है ना, मॉलिक्यूल ऑफ गैस। सेकेंड पॉइंट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल इन द मेटल is at random just like the molecules in a gas the electrons move in all possible direction with different velocities। तो इतना लिखिए। थर्ड पॉइंट द फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन कोलाइड्स अमंग themselves and also with positive lattice
आयंस। फोर्थ पॉइंट, द मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ओबेज द लॉ ऑफ क्लासिकल क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। Fifth point, when the electric field is applied, when the electric field is applied, free electrons Free electrons move towards positive terminal of the supply Thus, the electron electrons will experience electron will experience two random motion two motions है ना एक random motion two motions will experience two motions random motion due to temperature and drift motion due to applied voltage as a result As a result, the electron will move in opposite direction, to the electric field while maintaining their random motion फाइव हो गए थे ना पॉइंट सिक्स पॉइंट वाइल ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स
पॉजिटिव सप्लाई द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद पॉजिटिव आयन ड्यूरिंग ईच कोलिजन ड्यूरिंग ईच कोलिजन द इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन loses all its drift velocity and starts from rest once again average देखिए ऊपर वाले में ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन आ गई थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे तो जो इलेक्ट्रॉन मोशन लेता है तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं. ऐसे ही यहाँ पे जो है मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन बनती है. इट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अगेन द एवरेज, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कई सारे हो जाते हैं. द एवरेज डिस्टेंस the average distance covered by an electron between collision is known as mean free path mean free path और mean free path को lambda से denote करते हैं and time taken to cover their distance this distance is termed as relaxation time. Relaxation time और इसको tau से दिखाते हैं. Last point, as the temperature increases रैंडम जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन आयन कोर का जो कोलिजन है वो बढ़ जाएगा जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस इंक्रीज्ड द वाइब्रेशन the vibration of the iron core increases increase the vibration of iron core increase the probability
Therefore, the probability of electron core collision, vibration increase होगा, vibration increase होगा तो electron ion core की probability भी increase हो जाएगी collision की, ion core collision. As a result, resistivity increases. रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने में मेटल्स के अंदर. रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कंप्लीट हुई. अब इस तो ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी, तो पूरी हेडिंग नहीं डाल दी, खाली ड्रॉबैक्स लिख रही हूँ मैं, है ना. ये लिख सकते हो द ड्रॉबैक ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी आर, है ना. तो फर्स्ट है, क्लासिकल थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द वेरिएशन of electronic specific heat at low temperature. फिर दूसरा, एज पर क्लासिकल थ्योरी द पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी susceptibility is inversely proportional to the temperature, but experimentally it is almost independent of temperature. और एक और लिख लेते हैं, है ना, बैंड थ्योरी, क्योंकि हम बैंड थ्योरी की बात क्यों कर रहे हैं, फिर आगे पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑफ सॉलिड्स on the basis of on the band theory cannot be done by classical theory. उसके अलावा positive value of Hall coefficient metal की explain नहीं की जा सकती. और अगर classical theory की बात करें तो photoelectric effect, Compton effect और black body radiation भी explain नहीं किया जा सकता. तो इतना लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड करते हैं. अब क्लासिकल थ्योरी फेल हुई तो क्वांटम थ्योरी आई, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की. तो क्वांटम थ्योरी के क्या क्या पॉइंट्स थे, क्वांटम थ्योरी में क्या क्या कंसीडर किया गया, उसको डिस्कस करेंगे. थ्योरी आई तो एक्सप्लेन क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स. समर फील्ड साइंटिस्ट है, उन्होंने उस थ्योरी को मॉडिफाई किया, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल थ्योरी को, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल को मॉडिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स. और उनके अजप्शंस क्या क्या थे, उन्होंने क्या अजप्शन किया, वहां पे तो हम इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह मूव कर रहे थे, है ना. यहाँ पे इन्होंने क्या किया, उसको क्या मॉडिफाई किया,
कि मैटर कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट कंप्लीटली फ्री बट पार्शली सो इन द सेंस दैट दो दे आर नॉट ब्रॉट बाउंड टू एनी पर्टिकुलर एटॉमिक सिस्टम दे आर येट बाउंड टू अ मेटल एज ए होल. वो किसी एटॉमिक से भले ही नहीं बाउंड हुए हुए हैं लेकिन वो पूरे मेटल से तो बाउंड हैं. ठीक है, वो किसी पॉजिटिव आयन कोर से बाउंड नहीं है बल्कि वो सिर्फ क्या है, मेटल के साथ बाउंड है. और जो मेटल का इंटीरियर है उसमें यूनिफॉर्म पोटेंशियल हम कंसीडर करते हैं, पोटेंशियल वेल टाइप की बनती है वहाँ पे, है ना. और वो पोटेंशियल मेटल की जो सरफेस है वो हायर पोटेंशियल की होती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस. उसके लिए एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होता है, जितने भी एनर्जी लेवल होते हैं फर्मी लेवल तक वो सारे फील्ड होते हैं और हायर वंस जो होते हैं वो एम्प्टी होते हैं. अभी हमने बैंड्स के बारे में नहीं पढ़ा है, सिर्फ हम इसलिए एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हैं. फिर फोर्स बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और आयन कोर्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन मान के चलते हैं, इलेक्ट्रॉन मेटल्स के अंदर फ्री मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. और जो है ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या कह लीजिए फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करती है. तो समरफील्ड मॉडिफाई अ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स अजम्पशन था मेटल जो है कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो कि कम्प्लीटली फ्री नहीं है बल्कि पार्शली है. और किस तरीके से फ्री है कि वो मेटल के साथ बाउंड है, किसी आयन कोर्स के साथ या एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ जो है बाउंड नहीं है. और वो इस तरीके से मूव करते हैं जैसे आइडियल गैस, तो जैसा वो था वैसा ही है. बट यहाँ पे हमने पोटेंशियल की भी बात की. फिर एब्सोल्यूट जीरो पे ऑल एनर्जी लेवल अप टू फर्मी लेवल फिल्ड होते हैं और उससे ऊपर के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, है ना. एट एब्सोल्यूट जीरो ऑल एनर्जी लेवल अप टू फर्मी लेवल ईएफ इज फिल्ड एंड ऑल हायर वंस आर एम्प्टी, तो उससे ऊपर के सारे बंद होते हैं. तो नेक्स्ट है द फोर्स बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन कोर्स नेग्लेक्टेड इन फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन. सो इलेक्ट्रॉन विल इन द मेटल इज ट्रीटेड एज ए फ्री, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल, यहाँ पे होल आएगा, है ना, होल इज काइनेटिक एनर्जी. Because of light mass, the dense packing and electron in metal may be considered as a gas under high compression and hence to degenerate gas. So degenerate gas की तरह हम उसको treat करते हैं जिसकी वजह से हम Fermi Dirac static follow करते हैं. Also as electron gas is charged, then free electron gas metal may be regarded as a plasma. तो कई बार हम इसको प्लाज्मा भी कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि चार्ज पार्टिकल है और जब चार्ज पार्टिकल एक जगह इकट्ठे होते हैं तो प्लाज्मा फॉर्म करता है. An electron obey Pauli exclusion principle, hence they obey Fermi Dirac statics. Thank you everyone. Keep watching और comment section में post करते रहिए comment. Thank you.